फाइव स्टार की गाड़ी का हमेशा पेट्रोल खत्म होता है। आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी का पेट्रोल क्यों खत्म? तो अभी हम पहले कुछ खाने जाएंगे, देखते हैं कुछ तैयार करके। देखो आदि भाई कैसे देख सकते हो, हम घर वापस पहुंच गए सुबह मॉर्निंग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एवेंजर, आया हूं आज आपके पास एक न्यू और फ्रेश व्लॉग लेके। आज हमें जाना है पहलगाम, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है उनके साथ फिर से कहीं घूमने जाने का, क्योंकि हमारे बहुत पुराने दोस्त थे तो अब सभी काम में बिजी रहते हैं, इसकी वजह से हम मिल नहीं पाते। तो हमने प्लान किया आज पहलगाम जाने का, तो बहुत दिनों के बाद वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज का व्लॉग उन्हीं के साथ बनाएं। अरे गाइस, हम निकलने वाले हैं अभी, आज बहुत काम था शॉप पे तो इसलिए इतना ज़्यादा लेट हुआ। तो देखो समीर भाई निकलने वाला है, तो हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है, तो ये समीर भाई यहाँ पर है, अभी निकलने वाला है समीर भाई के साथ। पहले इनको छोड़ के आता हूँ, ठीक है। मेहरान भाई आदि भाई पहुंच चुका है यहाँ पर, तो आदि भाई ने मना किया कि आप समीर भाई के साथ नहीं जाना। चलो आदि भाई ऐसे कैसे जुग निकता है मेहरान भी तरह राय क्यों वो सुग निकता है। चल सी यार कोई तुम जल्दी पानी जो पक जल्दी छोटू पक जल्दी। तो पहले हमारी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हुआ था, तो आदि भाई पहले पेट्रोल डालने गए, तो अचानक से पेट्रोल खत्म होने वाला था। ये साहिल स्टार का जोक है, ये साहिल स्टार की गाड़ी का हमेशा पेट्रोल खत्म होता है। आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी का पेट्रोल क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हम साहिल स्टार की बात कर रहे थे कि जब भी साहिल स्टार कहीं जाता है तो पहले इसकी सिक्योरिटी का ना पेट्रोल होता है ना गाड़ी का पेट्रोल होता है। तो अभी हमें बहुत हंसी आ रही क्योंकि साहिल स्टार हमें याद पड़ा तो हमारी गाड़ी का भी पेट्रोल खत्म हुआ। देखो उसके नाम लेने से हमारी गाड़ी ही रुक गई, तो बेहतर है कि हम इसकी बात ही ना करें। तो वो गाइस आपको पता ही होगा हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे, लेकिन आदि भाई का मूड एकदम से चेंज हुआ, इसने बोला पहले मुझे श्रीनगर जाना है, तो वहाँ पर किसी फ्रेंड को मिलना है तो उसको भी हमारे साथ आना है, तो अभी हम ये डाल के पास, तो यहाँ का व्यू देख लीजिए। अभी क्या टाइम, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, 10 बजने वाले, रात के 10 बजने वाले, तो देखो हम कब पहुँचने वाले। तो हमारे जो फ्रेंड थे वो ऑलरेडी पहुँच गए वहाँ पर, तो हमें कॉल करके परेशान कर रहे थे, उनको झूठ बोलना पड़ता है हम अभी आ रहे। तो ये शादी पे का ना कोई भरोसा नहीं होता है, कब पहुंचेगा, कभी कब निकलेगा, कहाँ से जाता है, लेकिन अभी भी पूरा पता नहीं, अभी मत कहीं जाना होगा इसको। लेकिन फिर भी आप हमने सोचा, तो यहाँ का भी थोड़ा सा देख लीजिए नाइट व्यू, तो आप देख सकते हो गाइस ये डल है श्रीनगर में अभी हम जा रहे हैं पहलगाम। अब हमें सीधे, शायद मुझे लगता है अब सीधे पहलगाम ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हुआ है कि वो फ्रेंड्स कब के पहुँच के हमारा वेट कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। इस रात के 12 बज चुके, तो फाइनली हम पहलगाम पहुँच के, तो आदि भाई की वजह से बहुत लेट हुआ, इसने दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई तुझे इसका नहीं पता, शुक्र कर 12 बजे ही पहुंच गए। अब टाइम देख सकते हो गाइस टाइम क्या आया है, 12:45 बज चुके हैं गाइस, तो बहुत ही लेट किया आदि भाई ने, और पता नहीं अभी भी कितना टाइम लगेगा। अब उनको ढूंढना है, तो उनको कॉल कर बोलो आप लोग कहाँ पर वेट कर रहे हो। अब देख सकते हो अभी ये देखो आदि भाई, हेलो गाइस। फाइनली गाइज अभी हम आड़ो पहुँच गए, तो यहाँ पर हमने टेंट वेंट लगाए, तो अभी हम पहले कुछ खाने जाएंगे, देखते हैं कुछ तैयार करें। देखो आदि भाई कैसे बुला रहा है, आदि भाई को शायद भूख लगी है। तो आदि भाई यहाँ पर टेंट लगाए, 2 टेंट, और तीसरी गाड़ी कहाँ है, समीर भाई कहाँ है, इधर है भाई। तो अभी यहाँ पर बबलू भाई कुछ पका रहा है हमारे लिए, मेहरान भाई। तो ये देखो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर बबलू भाई कुछ पका रहा है हमारे लिए, तो अभी हम कुछ खाने जाएंगे, ठीक है। तो गाइज अभी हम इसके बाद सोएंगे, तो सोना नहीं आज रात, फुल रात एंजॉय करना है हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ है ऑलरेडी लगी हुई है, ये देखो रात के 2 भी बज चुके हैं, लेकिन हमारा ये ना डिनर तैयार ही नहीं हो रहा है अभी। फाइनली गाइस में हम ऑर्डर की तरफ वापस निकल रहे हैं, तो नीचे पहलगाम की तरफ वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, देख सकते हो गाइस। फाइनली गाइस अभी हम घर की तरफ वापस निकल रहे हैं, हमें
काम से जाना है इस वक्त, तो ये मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो सुबह का और उस तरफ पहल का वही तक तो कैसा भी मॉर्निंग है। बस इसी टाइम बाद हम घर पहुंचने वाले गाइस, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलो गाइस जब तक हम घर पहुँचते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हो हम घर वापस पहुंच गए सुबह मॉर्निंग में, तो हमें कुछ काम था आज, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए वापस जल्दी आना पड़ा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।